नमस्कार, मैं ऋतिक नायक, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर गार्डन में, जहां पर हमारे साथ आदिवासी छात्र संगठन और एनएसयूआई से विनय भाभोर हमारे साथ मौजूद है। तो हम लोग उनसे बात करेंगे, वो किसी विषय पर ज्ञापन देने जा रहे हैं और भी कुछ मुद्दे जिन पर उनसे बात करना है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। आप लोग अभी कलेक्ट्रेट जाने वाले हैं, किसी विषय पर ज्ञापन देने वाले हैं, क्या मामला है? हम सभी छात्र और आदिवासी छात्र संगठन और हमारे एनएसयूआई के सभी साथी मिल के आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मांग ये है कि आज कोरोना काल में शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी का बिजली बिल माफ़ कर दिया गया था, लेकिन आज वही बिजली बिल वापस से जोड़ के हजारों में आदिवासी गरीब और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको बिल दे रहे हैं कि और उनके बिल नहीं भर पाते हैं तो उनसे अवैध वसूली की तरह से उनका लाइटें काट देते हैं कि आपको बिल भरना ही पड़ेगा। तो हमारा यही कहना है कि जब शिवराज मामा ने खुद ने कहा था कि कोरोना काल में कि आज से आपका बिजली बिल 4 महीने का माफ़ करते हैं, तो फिर वो बिल जोड़ के क्यों दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं और हम इसी के लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि आप इसको माफ़ किया जाए वापस से, अन्यथा हम सभी मिल के फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये जो लाइट बिल वाला मसला है, लगातार बार बार उठाया भी जाता है, कई राज्यों में आप देख भी रहे हैं कि फ्री बिजली की बात हो रही है, चाहे यूपी चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, तो ये मामला जो है इसकी राजनीति ज़्यादा हो रही है, ऐसा लगता है क्या? आज हमारे पहले जो सरकार कांग्रेस की थी उसमें हमने देखा था कि 100 यूनिट के 100 रुपये, तो 100 रुपये बिल आ रहा था, और आज शिवराज सिंह जी चौहान जब से बैठी है तब से हजारों का बिल आ रहा है। तो आप साफ ये नज़र आ रहा है कि सरकार शिवराज सिंह की बिल के माध्यम से अवैध वसूली में लगी हुई है। अच्छा, एक और विषय, कल कुछ लोग पहुंचे थे, कुछ आदिवासी संगठन पहुंचे थे जो डीजे प्रतिबंध करने की मांग कर रहे हैं, कुछ और मांग लेके पहुंचे थे, और मुझे जो पता चला है कि आप थोड़े से असहमत हैं उस चीज़ से। देखिए, सबके अपने अपने सोच है, मेरी सोच ये है कि डीजे हमारे आदिवासी ही युवा बजा रहे हैं, वो आज क्या है कि बेरोजगार थे, उन्हें एक रोजगार का माध्यम मिला डीजे के माध्यम से, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा आज बेरोजगार है, उनको काम धंधा मिला है तो बजवा रहे हैं, और जिनको इच्छा है कि हमारे शादी में डीजे आना चाहिए, मांदल आना चाहिए या बैंड बजाना चाहिए, वो इच्छा के ऊपर है कि मेरे को क्या, मैं शादी में क्या अच्छा रहेगा लोगों के लिए। इससे क्या है कि संस्कृति पर असर पड़ रहा है, लोगों का कहना आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि देखो, एक बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, उसके बाद जैसे कि जिसको मांदल लाना कोई रोक टोक है नहीं, और कोई मतलब विशेष तौर पर ये नहीं है कि आपको डीजे लाना है, अपने स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। अच्छा, तो और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे शराब हो गई और ये चीज़ें भी नुकसान कर रही है, दहेज हो गया, इनको लेके क्या बोलेंगे? देखो, दहेज भी बहुत गलत चीज़ है, उसके बाद शराब भी बहुत गलत चीज़ है। हमने भी पहले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, उसके बाद हमने दारू के विभाग ठेके पर भी धरना दिया था, और अभी भी हम अभी कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं, उसमें हमने बोला है कि हमने ज्ञापन दिया था आबकारी विभाग को, और आबकारी विभाग के अधिकारी भी वहाँ पे आए थे दारू के लिए, और आज वही ठेकेदार आज रोज़ शाम को 7 बजे वहाँ से गाड़ी भर के जा रही है दारू और सप्लाई हो रही गाँवों में, उसके बाद सुबह 9 बजे भी गाड़ी भर के जाती है और गाँव में सप्लाई होती है, और अधिकारी ये बोलते हैं कि वो ठेके पर देने जा रहे। तो हमने ये कहा कि ये ढेकल में कौन सा ठेका है, तो आप वहाँ पर अवैध दारू भिजवा रहे हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी और ठेके वाले सब मिल के आदिवासी समाज को नशे की गिरफ्त में डाल रहे हैं। लाइट बिल को लेकर ज्ञापन देने वाले क्या कारण क्या है? जी, आज हम आदिवासी छात्र संगठन, एनएसयूआई संगठन और सर्व आदिवासी युवा संगठन की तरफ से हम कलेक्टर महोदय को बिजली बिल से संबंधित ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बिजली बिल में इतना बहुत बड़ी घोटाले कर रखे हैं, जो कि बिजली विभाग के द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम पर दो दो बिल जनरेट हो रहे हैं, और फिर सेकंड पॉइंट है कि जो लोग पलायन पर चला गया परिवार, उसके बिल जनरेट हो रहे हैं, तो वो किस प्रकार से बिजली बिल भर पाएंगे। और फिर सेकंड बात यह है कि कोरोना महामारी में शिवराज सिंह सरकार ने बिजली बिल माफ़ करने का आश्वासन दिया था, तो वो आज वर्तमान स्थिति में पलट चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है समाज की ओर से, समाज में बहुत विडम्बना फैला दी गई है, और अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं करेंगे तब तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा आदिवासी समाज का। आपका नाम? विनोद मेड़ा, आदिवासी छात्र संगठन, जिला जाओगे। तो आपने सुना कि बिजली के बिल को लेकर इनकी क्या राय, इनका क्या कहना है, साथ ही जो डीजे है उसको लेकर भी कुछ डिफरेंट मत है, कुछ अलग मत है,
तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है लाइट बिल को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर भी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।